ये है हमारी कैलकुलेशंस शीट फॉर गटर स्ट्रेसिंग, इसमें से हमें थोड़ी वैल्यू देखनी होती है। ये पहली वैल्यू है हमारी थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ केबल। इसमें हमारा केबल है 12.7 mm का, तो ये वैल्यू हमें ड्राइंग में दी है 98.8 mm². इसके बाद आएगा मॉडिफाइड जैक फोर्स जो हमें ड्राइंग में दिया होता है, ये है 272.348 मेट्रिक टन। ठीक है ठीक है। इसके बाद आती है हमारी थियोरेटिकल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमें दी है 1.95 × 10⁶ kg/cm² है, ये भी ड्राइंग में दिया होता है। उसका हमने कन्वर्ट किया किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, जो हुआ 195। ओके, अब हमें मॉडिफाइड प्रेशर निकालना होता है क्योंकि हमारा कैलिप जैक होता है उसमें प्रेशर हम केजी पर सीएम स्क्वायर में लगाते हैं, तो उसके लिए मॉडिफाइड प्रेशर की वैल्यू होती है कैलकुलेशन के लिए है मॉडिफाइड जैकिंग फोर्स अपॉन जैक रैम एरिया इनटू जैक एफिशिएंसी। तो जैक रैम एरिया और जैक एफिशिएंसी हमें जैक के कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट से मिलती है। तो जैक रैम एरिया है हमारा 563.720 cm², और जैक एफिशिएंसी है 98.9%, जो हमने डायरेक्ट कर दी तो 0.989। तो मॉडिफाइड जैक प्रेशर में हम अपनी वैल्यू डालेंगे, जैसे मॉडिफाइड जैकिंग फोर्स तो 272.348 हमें केजी में कन्वर्ट करना है, इनटू 1000 हो जाएगा, और अंडर डिवाइडेड बाय जैक रैम एरिया इनटू जैक एफिशिएंसी। तो जैक रैम एरिया 563.72 इनटू एफिशिएंसी 0.989, तो हमारा हुआ 488.302 kg/cm² मॉडिफाइड जैक फोर्स। उसको हम हमेशा +5% और -5% लिमिट देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे फोर्स हो सकता है। सेम वे इलोंगेशन दिया है ड्राइंग में 117.1 सिंगल साइड में, तो उसको हमें मॉडिफाइड इलोंगेशन, जैसे पोर्स हमने मॉडिफाइड किया तो उसके हिसाब से इलोंगेशन भी मॉडिफाइड हो जाएगा, तो उसके लिए वैल्यू है थ्योरेटिकल एरिया इनटू थ्योरेटिकल इलोंगेशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिक एरिया एज पर टेस्ट, एक्चुअल एरिया इनटू एक्चुअल इलोंगेशन, एक्चुअल मॉडिफाइड इलास्टिसिटी इनटू इलोंगेशन। तो जैसे एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है एज पर टेस्ट रिपोर्ट 191.517 किलो न्यूटन पर mm². सेम वे एक्चुअल एरिया एज पर टेस्ट रिपोर्ट 99.73 mm², तो ये दोनों डाल दीजिए इक्वेशन में 98.8 × 195 सेम वे 99.73 × 191 कहाँ गया 191.516 होल इनटू इलोंगेशन एज पर ड्रॉइंग, तो 117.10, तो हमारा मॉडिफाइड इलोंगेशन कितना हुआ 118.056 mm। इसको भी हम एक लिमिट दे देते हैं +5% और -5%, ये इसलिए देते हैं कभी कभार हम मॉडिफाइड प्रेशर में प्लस मैक्सिमम 5% चले जाते हैं तो हमारा इलोंगेशन 112+ slip आता है। ओके, मतलब मैक्सिमम प्रेशर पे हम मिनिमम इलोंगेशन अचीव करते हैं, अचीव कर सकते हैं, को जस्टिफाई करने के लिए एक लिमिट 5% और -5% का लिमिट एक मतलब एरिया हम डिफाइन कर देते हैं। कई कभी कभार कैसा होता है कि मैक्सिमम प्रेशर पे हमें मिनिमम इलोंगेशन पे अचीव हो जाता है, और मिनिमम प्रेशर पे मिनिमम 5% प्रेशर पे मैक्सिमम 5% इलोंगेशन अचीव हो जाता है। हमारा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी स्ट्रेसिंग करो मॉडिफाइड प्रेशर आपको अचीव करना ही होता है। ओके, मतलब मेन टारगेट है मॉडिफाइड प्रेशर को अचीव करना कहीं पे भी हो, और हमारा इलोंगेशन उस दरमियान कितना होना चाहिए 1112 से 1124 के बीच में आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग स्लिप। स्लिप हमारी क्या होती है 6 to 8 mm की स्लिप हमेशा आती है। आप लॉक कर दो उसके बाद रिलीज करते हो जैक को तो उसके बाद 6 to 8 mm की स्लिप आती है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाए उसके बाद हमारा इलोंगेशन मतलब ये जो आप डाटा बता रहे हैं जनरल प्रैक्टिस में 6 to 8 mm रहता है, 6 to 8 mm रहता है। थियोरेटिकल हमेशा 6 mm ही दिए, ड्राइंग में कोई भी ड्राइंग खोलोगे तो 6 mm स्लिप ही बताएंगे। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में क्या हो 6 to 8 mm तक आती है। तो ये दोनों स्लिप माइनस कर दो उसके बाद हमारी इलोंगेशन मॉडिफाइड प्रेशर में 1112 से 124 के बीच में रहनी चाहिए। ओके, और ऐसा क्या है कि ये प्रैक्टिकल आइडियल केस कैसा होगा कि मॉडिफाइड प्रेशर अचीव किया तो हमारा इलोंगेशन भी मॉडिफाइड आ जाना चाहिए, वो आइडियल केस है। ओके, ऐसा होता है क्या फील्ड में? फील्ड में ऐसा होता है कि अगर आप 490 पे चले गए 488 की जगह तो हमें 118 की जगह 119 या 18.5 मिल जाता है, तो वो हमारा आइडियल कंडीशन हो गई। तो ऐसा आइडियल कंडीशन अचीव करना होता है हर बार।